हर समाज और गरीब व्यक्ति चाहता है कि उनका उनकी औलाद बढ़े, आगे बढ़े। और मुझे लगता है पढ़ाई एक ऐसा रास्ता है जो हमारी सारी बेड़ियाँ तोड़ सकता है। और मुझे उनकी मेहनत और जिस लगन से उन्होंने लोगों के लिए काम किया, तो मुझे लोगों के बीच में पहुँच कर उन्हीं किस्सों को सुनने को मिलता है और उससे बहुत सीख मिलती है। तो 15 साल हो गए उन्हें यहाँ से, हमारे बीच से गए हुए, लेकिन आज भी उनका जो काम है वो जिंदा है लोगों के मन में। इस लोकसभा चुनाव में लंदन से एक आई लड़की काफी चर्चा का विषय बनी थी। उस लड़की का नाम इकरा हसन है। उस लड़की को समाजवादी पार्टी ने कैराना से उम्मीदवार बनाया था और उसने अपनी बातों को जनता तक पहुंचाया और कई सारे वादे किए। कैराना की जनता ने उसे जीत दिलाई। अब जीत दिलाने के बाद कैराना की जनता के लिए उन्होंने बहुत कुछ बातें की हैं, साथ ही वो आगे क्या करेंगी इस पर भी खुलकर बात की। उनके पिता क्या थे, उनकी पढ़ाई कैसी हुई, लंदन में रह करके उन्होंने क्या कुछ सीखा, लंदन में उनकी पढ़ाई संपन्न हुई थी, अखिलेश यादव के संपर्क में कैसे आई और उन्होंने कैसे चुनाव जीता, इस सब पर इकरा हसन ने बात की है। लेकिन इकरा हसन के बारे में आपको बता दें, इस लोकसभा चुनाव में अगर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कोई वायरल हुआ तो वो इकरा हसन थी। कम उम्र में उनकी बातें लोगों तक पहुंची, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाया और जनता ने उनकी बातों को भी काफ़ी पसंद किया। यही वजह था कि इकरा हसन कैराना लोकसभा सीट से जीत दर्ज की। अब ये कम उम्र की लड़की जो लंदन से पढ़ाई करके आई है, सदन में जाएगी और सदन में अपनी बातों को रखेगी। लेकिन सुनिए इकरा हसन ने अपने बारे में और जिस तरह उनको जीत मिली है उसके बारे में और जीत के बाद से वो क्या करना चाहती हैं, सुनिए इकरा हसन के मुख से ही। जी, जब मेरी शुरुआत हुई राजनीति में तो परिस्थितियाँ थोड़ी ऐसी थी कि मेरे भाई पर और मेरी माताजी पर झूठे मुकदमे लगाकर उन्हें राजनीति उससे दूर किया गया। तो उस दौरान मेरा आना हुआ राजनीति में, तो कठिन परिस्थितियाँ थी। लेकिन उसके बाद मेरी खुद की दिलचस्पी बढ़ी। 2 साल तक मैं, 2-3 साल मुझे हो गए लगातार फील्ड पर रहते हुए, और मुझे भी ये महसूस हुआ कि जो मेरे जैसे जो लोग हैं, जो युवा हैं, जो देश के लिए चिंतित हैं, हमें भी ज़रूरत है कि हम लोग खुद घुसकर देश की राजनीति में और अंदर से कुछ सुधार अगर हमारे प्रयास से आ सके तो वो लाने का यही वक्त है। तो मुझे मौका मिला, मेरा क्योंकि परिवार राजनीतिक रहा है तो उनके बदौलत मुझे ये प्लेटफॉर्म ज़रूर मिला है। लेकिन मैंने संघर्ष भी किया है और मेरी यही कोशिश है कि इस प्लेटफॉर्म को जो मुझे मिला है इसका मैं सही इस्तेमाल करके अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। आपने लंदन से पढ़ाई की है और लॉबी की है, तो इसमें आपको पढ़ाई में कैसे, आपके परिवार ने जैसे मुस्लिम समाज में पढ़ाई के लिए उत्साहित नहीं करते, फिर भी आप लंदन से पढ़ी हैं, तो आपके पिता का सहयोग रहा या आपकी माता जी का? जी, मेरे पिताजी, मैं बहुत छोटी थी जब उनका देहांत हो गया, लेकिन उन्होंने हमेशा उन्होंने भी आगे बढ़ाया। लेकिन ज़्यादा बड़ा योगदान इसमें मेरी माताजी का रहा है। उन्होंने जिस तरीके से हमारी परवरिश करी, उन्होंने हमेशा पढ़ाई पर ध्यान दिया। बचपन से ही उन्होंने हमें पढ़ाई की ओर अग्रसर रखा और आगे भी बहुत प्रोत्साहन दिया। अब तक भी वो चाहती हैं कि मैं अपनी PhD, जो कि मेरा बहुत मन था करने का, कि मैं उसे पूरा करूँ। अब भी वो यही कहती है कि जब भी वक्त मिले तो अपना ये सपना भी पूरा करना। तो मेरी माता जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, हाथ है। और अब वक्त बदल रहा है और हर समाज और गरीब व्यक्ति चाहता है कि उनका उनकी औलाद बढ़े, आगे बढ़े। और मुझे लगता है पढ़ाई एक ऐसा रास्ता है जो हमारी सारी बेड़ियाँ तोड़ सकता है और हमें आगे बढ़ने के लिए एक सही राह दिखा सकता है। लेकिन कमियाँ अभी हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पढ़ाई के, चाहे कॉलेजेस हो, स्कूल्स हो, उनमें उतने इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में, हमारी जो लोकसभा है उसमें बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र है, तो यहाँ पर मजबूरी के तहत लोग नहीं पढ़ा पाते अपने बच्चों को। संसाधनों की कमी है और स्कूल कॉलेजों की कमी है इस वजह से। लेकिन मुझे लगता है मंशा हर माँ बाप की होती है कि उनका बच्चा पढ़े, उसके लिए हम लोगों को कोशिश करनी है कि उन तक वो संसाधन पहुँच सके ताकि वो अपने बच्चों को आगे बढ़ा सके।
आपने राजनीतिक गुर अपनी माताजी से या पिताजी से या भाई से किससे सीखे हैं? क्योंकि आपने इस चुनाव में और पहले भी अपने भाई के चुनाव में सब विपक्षियों को धूल चटाई है। देखिए, मेरी राजनीतिक जो भी सूझबूझ और सीख है वो मेरे पिताजी से आती है। उन्हीं को मैं अपना आइडियल मानती हूँ राजनीति में, और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने का मेरा प्रयास रहता है। मैंने उनके साथ वक्त कम बिताया है अपने जीवन में, लेकिन आज भी जब मैं रोज़ निकलती हूँ तो मुझे उनकी मेहनत और जिस लगन से उन्होंने लोगों के लिए काम किया, तो मुझे लोगों के बीच में पहुँच कर उन्हीं किस्सों को सुनने को मिलता है और उससे बहुत सीख मिलती है। तो 15 साल हो गए उन्हें यहाँ से, हमारे बीच से गए हुए, लेकिन आज भी उनका जो काम है वो जिंदा है लोगों के मन में, और उनसे मुझे आज भी सीख मिलती है। इसके साथ ही मेरी माता जी और मेरे भाई जो हैं वो मेरा सपोर्ट सिस्टम है। उनकी तरफ से मुझे मार्गदर्शन मिलता है क्या चीज़ किस तरीके से करनी चाहिए। राजनीतिक सफ़र में मेरे उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, तो वो मेरा सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन जो आइडियल है वो मेरे पिताजी हैं। राजनीति में एक विपक्ष मोदी सरकार और एनडीए सरकार, एनडीए सरकार का नारा था 400 बार, और इंडिया का नारा था गरीबी हटाओ बेरोजगारी हटाओ, और ये सफल भी हुए हैं। और अब सरकार जो बनने जा रही है वो जोड़ तोड़ की सरकार बनने जा रही है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा देश पर? देखिए, ये बहुत बेहतर संकेत है, क्योंकि पिछले 2 टर्म के मुकाबले अगर हम इस रिजल्ट को देखें इस बार के, तो इसमें लोगों ने ये मैंडेट के ज़रिए अपना जवाब दिया है कि अब भाजपा की जो देश में विभाजन फैलाने वाली राजनीति है उससे लोग थक चुके हैं, और अब लोग अपने मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, चाहे बेरोजगारी हो, बढ़ती महंगाई हो, और शिक्षा के क्षेत्र में जो अभाव है उसकी वजह हो, बच्चों के लिए नौकरी हो। तो इसी के जवाब में ये चुनाव जनता ने लड़ा है, और जनता ने ये जवाब भाजपा को दिया है, और इसी जवाब के तहत भाजपा की सरकार नहीं बन पाई है। तो ये जो जोड़ तोड़ की सरकार है, मुझे उम्मीद है कि पिछले 2 टर्म के मुकाबले ये हमारे देश में लोकतंत्र को वापस लाएगी, लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करेगी, और जो दबाव रहेगा पार्लियामेंट, जिसकी भी सरकार बनती है, एक दबाव जनता का रहेगा, जो कि बहुत बेहतर संकेत है लोकतंत्र के लिए। तो हम इससे बेहतराई की तरफ अपने देश को बढ़ता हुआ देख रहे हैं इस रिजल्ट के माध्यम से, और मुझे बहुत खुशी है कि चाहे हम विपक्ष में बैठे या पक्ष में बैठे, हम एक ऐसे पार्लियामेंट में बैठने जा रहे हैं जहाँ डाइवर्सिटी, पार्टीज की डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा, और लोगों की, ऐसे पार्लियामेंट में मुझे आवाज़ बनने का मौका मिलेगा जहाँ पर लोगों का दबदबा रहेगा, लोकतंत्र का दबदबा रहेगा। क्षेत्रवासियों ने आपको, हर बिरादरी ने वोट दिया है, क्या आप उनके उस पर खरी उतर पाएंगी? जी बिल्कुल, मुझे बहुत, मैं सौभाग्यशाली हूँ, और दिल से मैं सभी का धन्यवाद देती हूँ। जिस तरीके से सर्व समाज ने मुझे अपनी बेटी मानकर यहाँ से जिताने का काम किया, तो ये आभार है मेरे दिल में, और इसका बदल मैं उन्हें पूर्ण रूप से समर्पित होकर उनकी सेवा करके ही देना चाहूँगी। और मैं कोशिश करूँगी कि जो अपेक्षाएँ हैं हमारे लोगों की मुझसे, उसको उन्हें मैं पूरा कर सकूँ। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं क्षेत्रवासियों को, सभी मतलब लोगों को? मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारे लोगों ने अपनी लड़ाई लड़ने के लिए मुझे चुना, और मैं दिल से सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारी जो सीट है इसका ऐसा समीकरण है कि जब तक यहाँ पर 36 बिरादरी आपका साथ ना दे, तो ये सीट नहीं निकल सकती। तो मेरी जो जीत है ये सबूत है कि हमारे यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है राजनीति का, कोई भेदभाव नहीं है मज़हब का या जाति की लाइन पर, कोई भेदभाव नहीं है। लोगों ने भाईचारे को स्थापित कर सर्व समाज ने मुझे अपनी बेटी माना है, और उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, और मैं पूरा प्रयास करूँगी कि मैं सभी के लिए, सर्व समाज के लिए काम कर सकूँ, अपने क्षेत्र की प्रगति के लिए काम कर सकूँ।